अरबाज, ये देखा गया कि सलमान खान खुद अपने केस पे कई बार खुल के बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्यों नहीं? मैं अरबाज खान हूँ सर, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सलमान खान के बारे में क्वेश्चन? इज नॉट राइट। सो व्हाट, सलमान के केस को लेके अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही था ना, और तो कुछ था नहीं ना। सलमान खान के ऑन गोइंग हिट एंड रन केस को लेकर अरबाज आजकल है काफी टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी क्यों नहीं? मैं अरबाज खान हूँ सर, और इस केस के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते अरबाज। सलमान के केस को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान का ऑनगोइंग ट्रायल पूरे खान परिवार के लिए परेशानी बन चुका है। जिस तरह से इस केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, उसे देखकर अरबाज और उनकी फैमिली का परेशान होना तो लाजमी है। अब देखिए ना, सवाल पूछा गया दबंग 3 को लेकर तो भी अरबाज इरिटेट हो गए। मुन्नी और फेविकॉल के बाद क्या दबंग की जो अगली फ्रेंचाइजी भी उसका क्या उसके बारे में जो चीज अभी बनी नहीं रही है? बहुत आगे की सोचते हो यार, तुमको इस बार इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। जाहिर है सलमान को अपने केस से कुछ फुर्सत मिले तो वो दबंग 3 पर कॉन्सेंट्रेट करे ना। होपफुली व्हेनेवर वी आर रेडी विद अ ग्रेट स्क्रिप्ट एंड व्हेन वी आर सलमान एंड मी आइडिएट ऑन अ फ्यू थिंग्स, then maybe we can look at the third one. वैसे यहाँ अरबाज के पापा सलीम खान भी आने वाले थे, लेकिन हेल्थ कंसर्न्स की वजह से वो नहीं आ पाए। और इस सवाल पर भी अरबाज ने काफी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। My dad is not keeping too well, probably he was supposed to be here, yes. And has he been hospitalized? नहीं, इतना भी एक्सट्रीम नहीं जाने का, इतना भी नहीं, मतलब के माई फादर इज 78 ईयर्स ओल्ड नाउ, ओके, सो ही वॉज नॉट कीपिंग वेल सम टाइम बैक, सो समटाइम्स मे बी फॉर एन इवेंट इट माइट टेक अ लिटल, यू नो, मे बी वॉज नॉट फीलिंग टू वेल, सो ही वॉन्टेड दिस किड्स टू कम फॉर इट, एंड कि यार मैं शायद नहीं जा पाऊँ, आप लोग जरूर जाना। मैं बोला हाँ, हम तो जाएंगे। वेल अरबाज, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि ये था अपकमिंग फिल्म अनफॉरगेटेबल का फर्स्ट लुक और म्यूजिक लॉन्च। और अरबाज के अलावा यहाँ मौजूद थे सोहेल खान, आशुतोष गोवारिकर, प्रहलाद कक्कड़, जॉनी लीवर और जावेद जाफरी, टू नेम अ फ्यू। लॉन्ग टाइम नो सी आशुतोष गोवारिकर ने शेयर की उनकी अपकमिंग ऋतिक रोशन स्टारर मोहेंजोदारो पर कुछ डिटेल्स भी। आई एम मेकिंग मोहेंजोदारो, दैट्स माय नेक्स्ट फिल्म, आई विल बी स्टार्टिंग इन अबाउट 3-4 मंथ्स टाइम, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई हैव बीन वर्किंग ऑन स्क्रिप्ट फॉर द पास्ट 2 इयर्स नाउ, टू एंड हाफ इयर्स। इट्स ऋतिक एंड मी अगेन, सो योर टीम फॉर लॉन्ग टाइम टीमिंग अप विद देम आफ्टर जुदा अकबर, सो या वो व्हाट द सेंटीमेंट, वेरी एक्साइटेडली लुकिंग फॉरवर्ड। वेल, तो कुछ इस तरह से इन सेलेब्स ने यहाँ आकर सपोर्ट किया अपकमिंग फिल्म अनफॉरगेटेबल को, जहाँ अरबाज के टेंस्ड मूड ने खान खानदान की परेशानी सबके सामने जाहिर कर दी। सलमान के केस को लेकर अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही था ना, और तो कुछ था नहीं ना।